नमस्कार दोस्तों, मैं विनायक बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आज की इस नई वीडियो में। एयर इंडिया की तरफ से बड़ी जानकारी देने जा रहा हूं इंडिया कनाडा फ्लाइट को लेकर, तो वीडियो को पूरा देखिए। उसके पहले अगर आप चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो ताकि आने वाली कोई भी अपडेट आप हमारे चैनल से मिस ना कर सको। दोस्तों आपको बता दें, इस वीडियो में मैं आपको फेयर बताने वाला हूं, साथ ही डेट्स बताने वाला हूं इंडिया और कनाडा की फ्लाइटों के लिए। ये फ्लाइटें दिल्ली से वैंकूवर और मतलब यहां पर इंडिया से कनाडा, कनाडा से इंडिया के बीच में ऑपरेट की जा रही हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, ये फ्लाइटें पहले तो दिल्ली से वैंकूवर के लिए आपको मिल जाएंगी 16, 19, 21, 23 और 26, 28 और 30 अगस्त को। साथ ही ये जो इनका फेयर होने वाला है, जो स्टार्टिंग का फेयर हो रहा है, ये है 51,004 रुपये से यहाँ पर स्टार्टिंग हो रही है। वहीं कैनेडियन डॉलर में बात करें तो 934 कैनेडियन डॉलर की ये फ्लाइट की टिकट आपको पड़ेगी। आपको बता दें, साथ ही अगर आप कैनेडा से इंडिया के लिए आना चाहते हो, दिल्ली से टोरंटो के लिए आना चाहते हो, तो यहाँ पर 15, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30 और 31 अगस्त को यहाँ पर और फ्लाइटें जो हैं वो चलाई जा रही हैं। आपको बता दें, ये फ्लाइटें काफ़ी सारी इनमें ऑपरेट हो चुकी हैं और यहाँ पर जितनी भी 20 तारीख के बाद वाली डेट्स हैं उनसे आप यात्रा कर सकते हो। आपको बता दें, साथ ही एयर इंडिया का वंदे भारत जो 6 वाला मिशन है वो भी स्टार्ट किया जा रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। वो वाला मिशन यहाँ पर 1 सितंबर से ऑपरेट किया जा रहा है और वो 1 अक्टूबर को ख़त्म होगा। उसमें भी काफ़ी ज़्यादा जो उड़ाने हैं वो ऑपरेट की जाएंगी इन रूट्स पर, बेसिकली इन रूट्स पर। तो दोस्तों ये है अभी तक की बड़ी अपडेट्स एयर इंडिया से कनाडा की फ्लाइटों को लेकर। कैसे लगी ये अपडेट कमेंट करके बताएं। अगर आपका कोई भी सवाल, सुझाव या सजेशन है तो आप हमें बेशक कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं इंडियन गुरु, मैं हूं आपका दोस्त विनायक। मिलता हूं नेक्स्ट वाली जानकारी के साथ। टिल देन जय हिंद, वंदे मातरम।